सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से दूसरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 27 पर है। तो अपनी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 27 पर आइए। पाठ 6, महान वैज्ञानिक न्यूटन। बच्चों, महान वैज्ञानिक न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। वे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। बच्चों, इस पाठ में शिक्षिका और कक्षा के विद्यार्थियों के बीच न्यूटन के नियम गुरुत्वाकर्षण के विषय में बातें हो रही है। आइए जानते वे क्या बातें कर रहे हैं। शिक्षिका, पेड़ से फल गिरते देखकर आपको आश्चर्य तो होता होगा। रवि, मैडम क्यों नहीं। शिक्षिका, बच्चों क्या तुमने कभी सोचा है कि फल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। सब बच्चे, वाह भला ऊपर क्यों जाएगा। दिनेश, हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो फल भी नीचे ही गिरेगा। शिक्षिका, ठीक है चलो माना कि हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर क्यों गिरती है। मेघा, मैडम आप ही हमें बताइए। शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं कि आपने पेड़ से फल तो गिरते देखा ही होगा, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता। तभी कक्षा का एक विद्यार्थी रवि कहता है, क्यों नहीं मैडम, आश्चर्य की तो बात है। शिक्षिका फिर से बच्चों से पूछती है कि बच्चों क्या तुमने कभी सोचा है कि फल नीचे की ओर ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तभी सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, वाह भला ऊपर क्यों जाएगा। तभी कक्षा का दूसरा विद्यार्थी दिनेश कहता है, जब हर चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो फल भी नीचे ही गिरेगा। शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं फिर से, ठीक है माना कि हर चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, पर उसकी कोई वजह तो होगी कि वो नीचे की ओर ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। तब मेघा कहती है, मैडम आप ही हमें बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तब शिक्षिका कहती हैं, शिक्षिका बताती हूँ, न्यूटन नामक एक महान वैज्ञानिक थे। एक दिन वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरा। वे सोचने लगे कि यह सेब पेड़ से टूटकर धरती पर ही क्यों गिरा, आकाश में क्यों नहीं चला गया। कृतिका, फिर क्या हुआ। शिक्षिका कहती हैं, अच्छा ठीक है बताती हूँ, एक न्यूटन नामक महान वैज्ञानिक थे। वे एक दिन अपने बगीचे में बैठे हुए सेब के पेड़ को निहार रहे थे, तभी अचानक एक सेब टूटकर जमीन पर गिरता है। तो वे ये सोचने लगते हैं कि ये सेब टूटकर जमीन पर ही क्यों गिरा, आकाश में क्यों नहीं चला गया। तब कृतिका मैडम से पूछती है कि मैडम फिर आगे क्या हुआ। तब शिक्षिका कहती है, शिक्षिका न्यूटन ने बहुत खोज की, वर्षों की खोज के बाद उन्हें यह पता चला कि पृथ्वी में चीजों को अपनी ओर। बच्चों अगले पृष्ठ पर आइए, पृष्ठ 28। खींचने की आकर्षण शक्ति होती है, इसके कारण ही वृक्ष से टूटकर फल पृथ्वी पर गिरता है, आकाश में नहीं जाता। उन्होंने इस शक्ति का नाम गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखा। अभिनव, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या अर्थ है। तब अध्यापिका बच्चों को बताते हुए कहती हैं कि न्यूटन ने कई वर्षों की खोज के पश्चात यह पता लगाया कि पृथ्वी के पास चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक शक्ति होती है, इसी शक्ति के कारण ही वृक्ष से टूटकर फल पृथ्वी पर गिरता है, आकाश में नहीं जाता। न्यूटन ने इस शक्ति का नाम गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखा। फिर अभिनव अपनी शिक्षिका से पूछता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अर्थ क्या होता है। शिक्षिका, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अर्थ है ऐसी ताकत जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अध्यापिका अभिनव का उत्तर देते हुए कहती हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अर्थ होता है ऐसी ताकत जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। विजय, न्यूटन की इस खोज से हमें क्या लाभ हुए। शिक्षिका, इस खोज से हमें कई लाभ हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि सभी पदार्थों में आकर्षण शक्ति होती है, पदार्थ आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकाश में चमकने वाले सूरज चांद तारों में भी यह शक्ति है। विजय अपनी
शिक्षिका से पूछता है कि न्यूटन की शक्ति से हमें क्या लाभ हुए। शिक्षिका उत्तर देते हुए कहती हैं कि हमें न्यूटन की इस खोज से कई लाभ हुए हैं। हमें इससे पता चलता है कि सभी पदार्थों में एक आकर्षण शक्ति होती है जिससे वह एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। आकाश में चमकने वाले सूरज चांद तारों में भी यह शक्ति होती है। दीप, अच्छा सूरज चांद में भी यह शक्ति होती है। दीप शिक्षिका से पूछता है, अच्छा मैडम सूरज चांद के पास भी यह शक्ति होती है। शिक्षिका, हाँ इस जानकारी के बल पर ही मनुष्य चंद्रमा तक पहुंचा है, अभी भी यह खोज जारी है। सब बच्चे, मैडम हम भी चांद पर जाएंगे, हम भी चांद पर जाएंगे। दीप के प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षिका कहती हैं, हाँ सूरज चांद में भी यह शक्ति होती है और इसी जानकारी के बल पर मनुष्य चांद तक पहुंचा है और यह खोज अभी भी जारी है, इसके बारे में अभी और पता लगाया जा रहा है। तभी सब बच्चे एक साथ मैडम से कहते हैं, मैडम हम भी चांद पर जाएंगे, हम भी चांद पर जाएंगे। शिक्षिका हंसते हुए, जरूर जाना, बड़े होकर तुम चांद ही नहीं अन्य ग्रहों पर भी जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना। शिक्षिका हंसते हुए बच्चों से कहती हैं, जरूर जाना पर बड़े होकर तुम चांद ही नहीं अन्य ग्रहों पर भी जा सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना। सब बच्चे एक साथ पूछते हैं, सब बच्चे वह क्या। शिक्षिका, न्यूटन को धन्यवाद जरूर देना क्योंकि उनकी खोज से ही यह सब संभव हुआ है। जब सब बच्चे मैम से पूछते हैं कि वह कौन सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है, तो शिक्षिका कहती हैं कि जब आप चांद पर या किसी अन्य ग्रह पर जाएंगे तो न्यूटन को धन्यवाद जरूर देना क्योंकि यह सब उनकी वजह से ही संभव हुआ है। बच्चों हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। पृष्ठ नंबर 29 और 30 पर अभ्यास माला दी गई है, आप इस पाठ को एक बार और पढ़ेंगे, उसके पश्चात आप अभ्यास माला को अपनी पुस्तक में हल करने का अभ्यास करेंगे। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, आप न्यूटन के बारे में और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अर्थ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।